दोस्तों, मैं विजय कुमार। आज हमने जो दिवाली मनाया है वो किसी के गरीब घर पे जाकर हम लोगों ने दिवाली मनाया है। हमारी संस्था के जो टीम के सदस्य हैं उन लोगों ने सब ने दीपक जलाया, उनके घर जाके मिठाइयाँ भी दिए और नए कपड़े भी उन लोगों को, गरीब के बच्चों को दिए थे हम लोग। और उनकी जो समस्याएं थी उनको हमने सुना और उन समस्याओं का भी निराकरण जल्दी ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में आप आके देखेंगे क्या, किस तरह से समस्या उनकी क्या है और किसे हम लोगों के घर जाकर दिवाली मनाए, हम लोग दीप जलाएं। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सारी बड़ा समझदार है कि अब आगे जाएं लागे खाए के बन मिले खाना बना लेते हैं, खाना वाना बना ले लगे चाहिए बना दीजिए ना, बाल निकाल ले दीजिए। तो आप ऐसा करते हैं, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। छोटा पेन दे दीजिए, इनको होगा नहीं, बहुत बड़ा है ना। ठीक, इसको स्वेटर उतार दो, स्वेटर। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, इसी के लिए हो जाएगा उसको। ये भी तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है ठीक है। देख लो नीचे पहनो, हाँ ठीक है, उसी के ऊपर पहन ले, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी वाले हो जाएगा, छोटी वाली हो जाएगी, ऊपर कर दीजिए इसको। एक फिट है ना, ठीक है। इसके लिए फिट आया, वो भी आएगा, उसको बड़ी वाली का जाएगा। ये नहीं कि आपकी भैया, नहीं नहीं सब मत सोचिए। मेरा बस यही मानसिकता है कि जैसे हम लोग किसी का मदद कर रहे हैं वैसे यहाँ बहुत लोग हैं, चाहे तो मदद करें गरीब लोगों को। ऐसा कर रहा ना हल्का, ठीक है। और आप लोग जो पेपर नहीं बने हैं हम प्रयास करने बनेंगे, लाइट का भी व्यवस्था करेंगे। ठीक, लाइट का और आपके घर का निर्माण का भी, हाँ घर का भी निर्माण करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हम लोगों का अलग से फंडिंग नहीं आता है, अपने जो चंदा लगाते हैं उससे आपसे व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बस आप बस इतना करिएगा कि बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों का अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, जो किस प्रॉब्लम बताइए। और ले दिखाओ दिखाओ, ए बाबू दिखाओ ना दोनों। अरे हो गया ठीक से, थोड़ा सा रात में है तो देखो। नहीं होता, नहीं पीते। ये तुम लोग पढ़ने जाते हो बाबू, पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में हो आप? ये लोग अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास कौन सा है आपका, कक्षा कौन सा कक्षा पढ़ते हो? तीन। ये बाबू तुम कितने में पढ़ते हो? तुम बाबू कितने में पढ़ते हो? अभी स्कूल में इसका नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा। पेपर कंप्लीट हुआ ना? कितने साल का हुआ है ये? इनका नाम लिखाइए, स्कूल भेजिए, बच्चे साथ जाएं। नहीं स्कूल में जाते हैं सर। मैं तो इनका नाम नहीं लिखवाए, नहीं नाम लिखवाइए इनका, नाम बोलो। सब डॉक्यूमेंट्स तो से कॉपी किताब सब मिलता है ना? ठीक ठीक। घर में पढ़ते हो तुम लोग? लाइटर नहीं मिलेगा ना, नहीं तो दिन में पढ़े बता दीजिएगा तो हम लोग भाई कुछ पहुंचा देंगे। हेलो, हाँ खिलाइए खिलाइए, आओ दिल्ली में कुछ नहीं सर, खिलाने पिलाने कोई चीज़ की मत करिए, लेकिन व्यवस्था करिए, लाइट नहीं है, लाइट हो जाएगा वहीं पर, लेकिन हम पर वो उसको क्या कहते हैं सरपंच को बोलेंगे, हाँ के लिए क्या कहता है देखते पूछते हैं। मीटर तो काट क्या हुआ था, मीटर लेटिया वहाँ से काट दिए थे मीटर, मीटर काटने कौन आया था? राम राम भैया, अभी काट दिया यार, और किसी कटा है? ये कुछ बिल कैसे पेंडिंग रहेगा जब वो है तो बीपीएल नहीं है ना ये कुछ। बाबू इधर देखो, आप भी खाओ, इस टाइम के लिए उधर देखिए, उधर देखो बाबू, ऐसे करा दो बाबू।
अरे तुम टॉफी इतना ले लियो, खाओगे कैसे? नहीं आप टॉफी दीजिए पापा को, आप लीजिए। नमस्कार, मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ। आज जैसा कि छोटी दिवाली हम लोग मनाते हैं, जिसमें कि आसपास के गांव में हम लोग आए हुए हैं, ये इन लोग को हमने दिवाली में पटाखा और मिठाई कुछ दिए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? कुछ बताओ कैसा लगा ये? अच्छा लगा ना? अच्छा लग रहा है। स्कूल जाओगे? नाम लिखवा दें स्कूल में? बोलो नाम लिखवा देंगे ना? पढ़ने जाना तुम लोग? तुम जाते हो ना बेटा? तुम जाते हो ना? हम यहाँ कुछ लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ दान करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिलता है, उनको कोई माध्यम नहीं मिलता है, जिसके लिए हम ये हमारी संस्था जो है इसके द्वारा कुछ कार्य किया जा सकता है। जिसके पास अतिरिक्त है वो हम लोग को दे दें, हम उसको समाज में देने का कार्य करते हैं, हम लोग समाज का सहायता करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि उसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करें सर जी, अच्छे से ही लोग भी दिवाली मना सकें। ये खुशियों का एक त्यौहार है जिसमें कि सब हम लोग मिल के त्यौहार को सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। बिजली कितना आया था? दो हज़ार पाँच हज़ार से एक महीने का रहा, पता नहीं कितने साल में। BPL में भी इतना ज़्यादा बिल आता है ना? BPL में आप 100 यूनिट से नीचे के लिए है ना? 100 यूनिट चलाते नहीं होंगे, पीले वाला बल्ब जो है 100 वाट वाला जलता है, महीने में ले लेगा तो बिजली बिल कुछ जमा कराना पड़ेगा। वो भी जब से नगर निगम के अंडर में आया है तब से मनमर्जी का बिल बिजली बिल देते हैं, फिर BPL वाला मायने नहीं रखता है ना। एक काम करिए ना, किसी की जब तक नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तब तक अगल बगल के लिए इसका बिल कुछ दे दिया करिए। प्रकाश में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों को नहीं दे दो भाई, चलो हमको बिजली कम से कम जलाने दो, प्रकाश रहना जरूरी है ना। अकेला में कैसे लगे? ड्यूटी कहाँ करते हैं? जगह का नाम क्या है? पकड़ लीजिए ना सब लोग, हो गया उनके घर दीपक जला दिए जाए। चलिए इधर आ जाएगा, इधर से खींचेगा, इधर पकड़िएगा ना उसके घर पे, इधर से हवा ऐसे ऐसे। फोटो लेना रे सर, हम वीडियो ले, फोटो ले क्या खाली फोटो ले, फोटो ले, फोटो टल ले ना। ये बाबू उधर देखो, मतलब हमें सब जहाज हो सब लोग खाओ, लोग माने आप भी खाओ। इस साइड रुक लीजिए, उधर देखिए, उधर देखो बाबू, ऐसे करा दो बाबू। अरे तुम टॉफी इतना ले लियो, खाओगे कैसे? नहीं आप टॉफी दीजिए पापा को, आप लीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके पास भी अगर पुराने या नए कपड़े कुछ भी हो तो गरीबों में जरूर दान कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।